अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर में बहुत खुश होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि आप सबके मुंह में पानी लाने वाली है। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ मेरी, आपकी और तकरीबन सबकी फेवरेट बिरयानी। बिरयानी की रेसिपी देने जा रही हूँ और वो भी बिरयानी बहुत ख़ास होने वाली है। मैं बनाने जा रही हूँ हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी। परेशान नहीं होना आपने, कच्चा गोश्त नहीं खाना पड़ेगा आपको, इसका सिर्फ नाम है कच्चे गोश्त की बिरयानी। तो ये रेसिपी इंडिया के हैदराबाद की है, बहुत मशहूर रेसिपी है और टेस्ट ऐसा लाजवाब, जायका ऐसा लाजवाब कि आप खुद हैरान होंगे कि ये आपने बनाई है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन लिया हुआ है, ये 1.5 किलो चिकन है और साथ में कुछ प्याज ब्राउन किए हैं। ये 2 चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 3 चम्मच नमक है या फिर हसबे ज़रूरत कर लें। उसके बाद यहाँ पर कुछ मैंने लिए हैं दालचीनी है, ये कुछ दालचीनी ली है। ये लौंग है मेरे पास, तकरीबन 6 लौंग हैं। ये 1 चम्मच मेरे पास गरम मसाला है और ये चीज़ जो है ये है बिरयानी मसाला। वैसे तो इसमें बिरयानी मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर हम जो पाकिस्तानी हैं हम सोचते हैं कि बिरयानी मसाला ना हो तो बिरयानी कैसी। तो ये ऐड कर लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होगा, ठीक है। और ये ऑप्शन है, वैसे आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन बिरयानी मसाला मैंने डाला है 2 चम्मच। और यहाँ पर आपने नींबू का रस लेना है, 2 से 3 चम्मच कर लें। यहाँ पर दही, तकरीबन 1 बड़ा कप दही लेना है और 1 कप ही आपने यहाँ पर घी लेना है, दही तकरीबन 1.5 कप कर लें। और यहाँ पर जो चिकन मैंने बताया, 1.5 किलो चिकन है और 1.5 किलो ही हम चावल लेंगे। सारे मसाले ऊपर डाल दें, इनको अच्छे से मिक्स कर लें। हमने एक्चुअली मैरिनेट करना है चिकन को, ठीक है। अच्छे से मैं कर देती हूँ मिक्स। एक बात आप यहाँ पर नोट कर लें, अगर आपके मुंह में पानी आया तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, वीडियो को लाइक भी करना होगा और कमेंट में बताना भी होगा। ये मैंने यहाँ पर लेमन का रस डाल दिया और ये मैंने जो चटनी बनाई हुई थी यहाँ पर मैंने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है, ये पेस्ट कह रहे हैं चटनी कह रहे हैं, इसको मिक्स कर देती हूँ मैं। ये भी तकरीबन मैंने 4 से 5 चम्मच डाला है। सब्ज़ मिर्चों को ग्राइंड कर लें आप सिंपली, अच्छे से मिक्स करें। ऑयल आपने सबसे लास्ट पे डालना है ताकि इसके अंदर जो मसाले हैं वो अच्छे से इसके अंदर जज़ब हो जाए, मिक्स हो जाए। तो ये हो गया अच्छे से मिक्स। अब इसके अंदर हम डालेंगे, क्या डालेंगे, हम डालेंगे दही। उससे पहले हम डाल लेते हैं प्याज, जो मैंने बताया कि मैंने फ्राई किया हुआ है। गोल्डन ब्राउन कर लेना है आपने प्याज को, 2 प्याज काट लें, ठीक है। और अब इसके अंदर पहले घी डाल लेते हैं, मसाला लगाने के बाद आपने घी डालना है, ठीक है। यहाँ पर पहले दही भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाह रही थी कि जो घी है उसको लास्ट पर डालना है, मसाला लगाने के बाद डालना है, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से घी लग जाएगा तो हम डाल देंगे दही। इसको तकरीबन 3 से 4 घंटों के लिए आपने इसको मैरिनेट करना है इसको, ठीक है। चिकन को मैरिनेट करना है, इसमें सिर्फ चिकन का मैरिनेशन का टाइम ही लगता है, उसके बाद तो कोई टाइम नहीं। सिर्फ 20 मिनट के अंदर आपकी बिरयानी, ज़बरदस्त सी बिरयानी बन के तैयार होगी, आपके मुँह में पानी आएगा, फिर आप बनाएंगे और ख़ुद भी खाएंगे इंशाल्लाह। तो अच्छे से इसको कर लिया है यहाँ पर मिक्स, बहुत ज़बरदस्त। इसको फ्रिज में रख देना है आप ताकि ये मैरिनेट हो जाए। यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर रही हूँ, इमली मेरी पसंद है ये, ठीक है। और आप ऐड करना चाहते हैं तो कर लें, तो आप उसको इमली को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने थोड़ी सी डाल लिया। तो 4 घंटों के बाद यहाँ पर पानी रखा है चावल बॉयल होने के लिए। अंदर 1 चम्मच आपने डाल देना है घी, सिर्फ 1 चम्मच घी डाल दें। और उसके बाद 1 चम्मच आपने भर के डालना है गरम मसाला, गरम मसाले का पाउडर डालना है आपने, और कुछ दालचीनी डाल देनी है, सिर्फ ये चीज़ें डालनी है और नमक डालना है। और यहाँ पर चावलों को बॉयल करना है। अब यहाँ पर पानी का बॉयल होने का वेट करेंगे। तो ये डाल रही हूँ मैं चावल, ठीक है, भिगोए हुए थे पहले से ही, इनको डाल दिया अंदर। अब नमक डाल के तो इसको हमने बॉईल करना है। बॉईल कैसे करना है वो भी मैं बता देती हूँ।
जब एक दफ़ा बॉयल आएगा तो आपने एक लेयर चावल की उतार लेनी है ऊपर से, ठीक है। वो मैं आगे नेक्स्ट स्टेप करती हूँ तो आपको मैं दिखाती जाऊँगी। तो ये डालिए अंदर चावल, इनको अच्छे से पकने दे, ज़रा बॉयल आने दें इसको। तकरीबन एक ही बॉयल आएगा तो हम इसमें से निकाल लेंगे आधे चावल। दूसरी साइड पे यहाँ पर एक मैंने कढ़ाई लिया, इसके अंदर ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है ये डाल देंगे। तकरीबन 4 घंटे आपने इसको मैरिनेट करना है, बहुत ज़बरदस्त मैरिनेशन हो जाएगी इसकी। 3 घंटे कर लें या 4 घंटे कर लें। जो थोड़ी सी दही बची थी वो मैंने ऊपर डाल दी, और नीचे फ्लेम चला दें, आप फ्लेम ऑन कर दें। जब चावल को बॉयल आएगा तो इसमें भी एक बॉयल आ चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें आप, चावल को बॉयल आ रहा है। तो अब इसमें से थोड़े से चावल निकाल के ऊपर एक लेयर लगाएंगे। यहाँ पर अब अच्छे से एक बॉयल आ गया, यहाँ पे भी बॉयल आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब डालेंगे इसके ऊपर चावल। ये देखें, ये मैं एक लेयर डाल रही हूँ, एक लेयर लगानी है अभी आपने ऊपर। अभी चावल बिल्कुल कच्चा है, थोड़ा सा बस, बिल्कुल थोड़ा सा पका है, ठीक है। अभी एक दो बॉयल आए हैं चावल को, तो एक लेयर लगा देंगे। नीचे बिल्कुल कच्चे चावल होंगे, फिर उसके ऊपर थोड़े से पके हुए, फिर उसके ऊपर तकरीबन 90% पके हुए। इस तरह से 3 लेयर लगानी है हमने, ठीक है। इस तरह से फैला के आप डाल दें। जी हाँ, एक लेयर यहाँ पे हो गई। अब 2 मिनट, 2 से 3 मिनट के बाद इसके ऊपर एक और लेयर लगाएंगे चावलों की। इस तरह से ये मैं अब छन्नी से लगा रही हूँ, ये देखें। इस तरह से मज़े से डाल दें बस ऊपर। आधे चावल यहाँ पे आएंगे, फिर आधे चावल 3 मिनट बाद, आधे चावल, ठीक है। यानी कि एक बॉयल आने पर आधे चावल डालने हैं, उसके बाद 2 बॉयल आने पर, फिर 3 बॉयल आने पर, ये 3 लेयर्स इस तरह से हो जाएंगी। 2 लेयर्स के बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ गरम मसाले का पाउडर, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर मैंने सेपरेट कर दिया। अब फिर से यहाँ पर चावल डाल रही हूँ। नीचे बिल्कुल कच्चे चावल थे, फिर उससे ऊपर तकरीबन 70% पके हुए चावल थे, और लास्ट पर मैंने 80% पके हुए चावल डालने हैं, ठीक है। जी हाँ, लेयर्स हो गई पूरी। तो अब यहाँ पर मैं लेमन के कुछ पीसेस रख रही हूँ, सब्ज़ मिर्चें, और अब कलर डाल रहे हैं ऊपर। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर देख लें आप, साइड पे मैंने आटा लगा दिया, और इसके ऊपर हम अब ढक्कन देके उसको दम देंगे 20 मिनट के लिए। ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं। तो इसकी निशानी है पकने की कि एक तो बहुत खुशबू फैलेगी आपके पूरे घर में, खुशबू खुशबू हो जाएगी, और दूसरी बात ये कि जो साइडों पे हमने आटा लगाया था वो बिल्कुल पक जाएगा साइडों से, अंदर से थोड़ा सा कच्चा है लेकिन साइडों से पक जाएगा, ठीक है। तो बस 20 मिनट में आपने इसको दम से उतार लेना है। चिकन बिल्कुल गल चुका होगा यहाँ पर अब, इतनी खुशबू है बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाओ, ज़बरदस्त, अमेजिंग। मैं सोचती हूँ वो कौन सा इंसान होगा जिसको बिरयानी नहीं पसंद होगी। यहाँ पर जो जो बिरयानी के दीवाने हैं वो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। जिसके मुंह में पानी आया वो तो लाजमन सब्सक्राइब करके जाएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।
वाओ, इसका आप लुक देख ले, कलर देख ले, काश कि मैं आपको इसकी स्मेल जो है वो मैं आपको करवा सकती कि कितनी ज़्यादा खुशबू आ रही है। ओहो हो, आपको लाजमन बनानी पड़ेगी एक बार, तो एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें प्लीज़ प्लीज़, ताकि आपको भी पता चले कितनी ज़बरदस्त बनती है ये बिरयानी। मेरे मुँह पे पानी आ रहा है, बस अच्छे से इसको मिक्स कर देती हूँ यहाँ पर और फिर मैं जल्दी से खाती हूँ। ये देख लें चिकन, आप देख लें बिल्कुल गल चुका है, ये नहीं समझना कि कच्चे गोश्त की बिरयानी नाम है तो गोश्त भी कच्चा होगा। तो ये देखिए हमारी ज़बरदस्ती प्लेट हो गई है तैयार। चलिए टेस्ट करते हैं, मुँह में पानी आ रहा है तो क्यों ना टेस्ट की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ, इट जस्ट अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, नमक मिर्च बिल्कुल ठीक है, ना ज़्यादा ना कम, ज़बरदस्त और टेस्ट तो लाजवाब। आई विश कि मैं आपको इसकी खुशबू सुंघा सकती कि कितनी ज़बरदस्त इसकी स्मेल आ रही है। तो मैं आप इसको फिनिश करती हूँ क्योंकि वेट अब बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो आप जाते जाते लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।